हेलो क्रिकेटर्स, तो एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि रिवर्स शॉट कैसे लगाएं या स्विच हिट कैसे लगाएं। जी हाँ, आज का टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज आपको सीखने मिलेगा कि रिवर्स शॉट कैसे लगाएं या फिर स्विच हिट कैसे लगाएं। तो गाइस, रिवर्स शॉट लगाने के लिए सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि मुझे इस बॉल पे रिवर्स शॉट खेलना है। जैसा कि मैं जब भी मैच खेलता हूँ और जब भी जो मेरा स्टांस है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं स्टांस लेता हूं, तो मेरे मन में पहले ही आता है कि मुझे रिवर्स शॉट खेलना है। तो वो कौन से गेंदबाज पे आता है? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड के गेंदबाज पे आता है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड के गेंदबाज होते हैं ना, उसका बॉल पड़ने के बाद, टप्पा पड़ने के बाद इस तरह कटती है बाहर। और हम लोग क्या करते हैं, जिसको रिवर्स शॉट खेलने नहीं आता है वो इस तरह से मारते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। और बहुत बार मैं भी आउट हुआ हूँ बहुत बार जब मुझे रिवर्स शॉट खेलना नहीं आता था। तो लेकिन अब इजी है गाइज, जब भी लेफ्ट हैंड के गेंदबाज आए आपके सामने, तो आपके मन में पहले ही बनना चाहिए कि मुझे इस बॉल पे रिवर्स शॉट खेलना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने स्टांस में आना है, और जो आपका ग्रिप है गाइस, आप देख सकते हैं ये नीचे वाला हाथ पूरा टाइट रहेगा और ऊपर वाला हाथ भी टाइट रहेगा। हालांकि पूरा जड़ में नहीं पकड़ना है आपको, आपको थोड़ा सा ग्रिप जो है आपको इतना छोड़ के यहाँ पकड़ना है, ठीक है। और आपको ये नीचे वाला भी हाथ हल्का टाइट और ऊपर वाला तो पूरा टाइट ही रहेगा। और जैसे ही लेफ्ट हैंड के गेंदबाज आते हैं, तो पहले ही मैंने जैसा बोला कि पहले ही मन में बनाना है कि रिवर्स खेलना है, तो उसके लिए मुझे इस तरह से घूम के ये आ गई है बिट्टू मैक्सी की बल्लेबाजी। ए संभल के कीजिएगा गेंदबाजी, ये लड़का इनका पावर है, बॉलर को अपने बल्लेबाजी से ऐसे ही डराते हैं, धमकाते हैं। और बॉलर के दिमाग में थोड़ा खलल पैदा करते हैं। रिवर्स शॉट कौन कौन से बॉल पे लगता है? तो आप दो बॉल पे इजीली लगा सकते हो, एक जो लेफ्ट हैंड के कटर गेंदबाज होते हैं जो टप्पा खाने के बाद बाहर जाता है, और दूसरा फुल टॉस बॉल। तो आपको बहुत ही मजा आएगा रिवर्स खेलने में। आप इस तरह से खेल रहे हैं और जब टप्पे से बॉल ऐसे कटती है बाहर, तो आपको इस तरह से घूमना है और यहाँ से ये शॉट लगाना है, या फिर आप इस तरह से ये लगा सकते हैं। तो आप जब भी छक्के लगाओगे तो आपका उस कॉर्नर पे छक्का जाएगा, ये रिवर्स शॉट। तो इसमें इजी हो जाएगा गाइस, आप जब भी इस तरह से खेल रहे हैं और कटर बॉलर का जब टप्पे से बॉल ऐसे कटता है, तो आप इस तरह से घूमे और यहाँ से ये छक्का लगाएं। और दूसरा, आप जैसे इस तरह से खेल रहे हैं और बॉलर ने बॉल फुल टॉस बॉल फेंका, फुल टॉस बॉल, तो आपको ये इजी हो जाएगा यहाँ से ये छक्के लगाना। Unbelievable. What a shot. Shot of the match. और रिवर्स शॉट के लिए गाइस आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप डेली कम से कम 50 बॉल प्रैक्टिस करें। आप ऐसा नहीं कि ग्राउंड गए और आज मैच खेल रहे हैं और डायरेक्टली जाके आप ऐसे रिवर्स शॉट लगाए और पता चला बॉलर ने आपको बोल्ड कर दिया। और मैं बता दूं कि रिवर्स शॉट आपको पूरे तेज गेंदबाज को नहीं खेलना, जो कि 120, 30, 40 फेंक रहे हैं, उसके बॉल पे रिवर्स नहीं खेलना है। उस पर क्या होगा ना कि आपका ये टाइमिंग नहीं बनेगा और आप बोल्ड हो जाओगे। तो आपको रिवर्स खेलना है कटर बॉलर पे, जो भी कटर बॉलर है जिनका गेंद बाहर जाता है, तो आप इस तरह से खेल सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका स्टांस क्या होना चाहिए गाइस रिवर्स के लिए, आपको कैसे खेलना है? तो जैसे देखिए, आप ये राइटी बैट्समैन है, इस तरह से आप खेल रहे हैं, तो आपको सबसे पहला ये ऐसे आपको डायरेक्ट घूम जाना है, ये आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे ये घूमे और यहाँ से रिवर्स ये, और आपको इस तरह से बैट साइड करना है करीबन 10 बार 15 बार, ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए क्या है ना, आपको ये पैर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। आपको जैसे ही बॉलर ने एक बॉल फेंका, तुरंत आपको ये घूमना है और यहाँ से ये रिवर्स शॉट। लेफ्टी गेंदबाज के साथ साथ आप राइटी गेंदबाज के साथ भी लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे राइटी गेंदबाज क्या होता है ना, लेग कट फेंकते हैं तो उनका बॉल भी बाहर जाता है। और बहुत सारे राइटी गेंदबाज क्या करते हैं ना, अंदर की बॉल करते हैं। जैसे आप जैसे ही रिवर्स लगाने जाओगे तो बॉल पता चला अंदर की ओर आ गई, बॉडी की ओर, क्योंकि जो राइटी होते हैं ना वो यहाँ से लेग कट तो फेंकते हैं साथ साथ ऑफ कट। तो आपको इस तरह से कैसे खेलना है, तो बस उसके लिए क्या है ना, जैसे ही राइटी गेंदबाज बॉल बाहर जाए, तो आपको नजर रखना है यहाँ हाथ पे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये हाथ, आपको यहाँ पे नजर रखना है कि किस तरह से फिंगर मार रहे हैं बॉलर, बॉलर का बॉल अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जैसे ही बॉल बाहर जाए तो आपको कुछ नहीं, बस इस तरह से आप घूम सकते हो, आपका पूरा ये बॉडी भी आप पूरा ले जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से सिर्फ ये भी मार सकते हो इस तरह से। तो बहुत ईजी है गाइज, बस है आप प्रैक्टिस करें। और हाँ, स्विच हिट कैसे मारना है वो मैं बताता हूँ।
स्विच हिट मारने के लिए गाइस आपका हाथ चेंज होना चाहिए। ये जैसे मैं रिवर्स लगाता हूँ तो इसमें मेरा हाथ चेंज नहीं होता है, मैं यहाँ से लगा देता हूँ रिवर्स या ऐसे घूम के मैं रिवर्स लगा देता हूँ, लेकिन स्विच हिट मारने के लिए आपको जो है आपका ये हाथ चेंज होगा। ये फिंगर ये नीचे ये आप देख सकते हैं, आप रिवर्स के लिए ये ट्राई करते हो ना, लेकिन स्विच हिट के लिए आपको ये हाथ चेंज करना है, उसके बाद आप ऐसे लगा सकते हो। तो ये स्विच हिट है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो गाइस रिवर्स शॉट कैसे लगाएं और स्विच हिट का वीडियो बहुत जल्द आएगा, वो आज मैंने थोड़ा सा बताया आपको। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कौन कौन सा शॉट आपको खेलने में प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट कीजिए। मैं आप सभी का दोस्त बिट्टू मैक्सी बहुत जल्द आपके बीच ऐसा वीडियो लेके आऊंगा, टिप्स वाली वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। ओके बाय। अगर इस उम्र में भी कहर नहीं मचाया फिर क्या फायदा इस जवानी का। ऐसे छक्के कौन मारता है? बिट्टू मैक्सी ने कहा मैं मारता हूँ। जबरदस्त बल्लेबाजी, अद्भुत।